नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा कल दो छात्रों का निलंबन वापस लेने के बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर का पुतला फूका। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुतला रामलीला मैदान के सामने फूका। एएमयू बीसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए छात्रों ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चाइन वाइस चांसलर देशद्रोह के साथ मिल गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय उनका निलंबन वापस लेते हैं। ऐसे बीसी तो तत्काल हटाए जाए और देशद्रोह के आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एएमयू प्रशासन ने देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों का निलंबन रद्द किए जाने के से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एएमयू बीसी का पुतला फूका। एएमयू बीसी को बताया कि देशद्रोही मानसिकता से ग्रसित दोषी छात्रों पर देशद्रोह के तत्काल कार्रवाई की जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बीसी का पुतला फूका गया है। जिस प्रकार से आरोपी छात्रों से निलंबन वापस लिया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देशद्रोहियों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति की भी सहमति है। और मैं भारत सरकार से मांग करूंगा, विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे बीसी को हटाना चाहिए और जो दोषी छात्र उनके खिलाफ निलंबन कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई देशद्रोही के मुकदमे उनके के देशद्रोही मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ जेल भेजना चाहिए। क्या वजह थी, किस धारा में मुकदमा लगाया गया? अभी गत दो दिन पूर्व जिस प्रकार से मन्नान वानी आतंकवादी को सेना के द्वारा मारा गया है, उनके समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे, देशद्रोही नारे लगा रहे थे और जिस प्रकार से उनके यहाँ की पुलिस के द्वारा उन पर देशद्रोही के मुकदमे लगाए गए, लेकिन और एक दिन के लिए केवल निलंबन भी किया गया उन छात्रों को, लेकिन उसके बावजूद भी बीसी ने पता नहीं किस दबाव में आकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदरूनी समर्थन के साथ उनका निलंबन वापस ले लिया है और उनसे पुनः कह दिया कि आप कैंपस के अंदर पढ़ाई करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बीसी की मिली भगत की बू आ रही है और मैं भारत सरकार से ये मांग करूंगा, तत्काल प्रभाव से ऐसे बीसी को हटाना चाहिए और जो आरोपी छात्र हैं उनको देशद्रोही के मुकदमे में उनको जेल भेजना चाहिए और ऐसे कैंपस के अंदर जो जिन्ना का समर्थन करने वाले छात्र तत्काल प्रभाव से इस कैंपस में निकालना चाहिए, जिससे कि कैंपस में स्वच्छता से पढ़ाई हो सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूका गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एएमयू बीसी का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से दो छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद उनका निलंबन हुआ, लेकिन उनके कुछ 1200 छात्रों के समर्थन आने के बाद ऐसा देशद्रोही का मुकदमा उनसे वापस लेने की बकायदा भी पुलिस प्रशासन अलीगढ़ करने वाला है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि उनके आगे पुलिस घुटने टेक कर उनसे मुकदमा वापस ले चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये देशद्रोह का मुकदमा भी वापस ले लें और अभी एएमयू बीसीबी ने उनका निलंबन भी वापस ले लिया है। और क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम डीएस कॉलेज के छात्र या बासित कॉलेज के छात्र हम कह रहे हैं कि उनका निलंबन वापस नहीं होना चाहिए? अगर हम भी पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्यों अगर देशद्रोहियों का ऐसी इस तरह से निलंबन वापस होगा तो। पेश अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अजय कुमार की खास रिपोर्ट।